एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हैप्पी मूड कैसे रखें आज दिन भर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए क्या होता है कि हम लोगों को ये नहीं देखना है कि यार इतना टाइम हो गया या इतना टाइम मुझे जीना है। हम लोगों को देखना है कि आज का दिन हमारा टास्क होना चाहिए। जब आज का दिन हमारा टास्क रहेगा तो हम पूरे दिन हैप्पी रहेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर हो जाता है, सोचता रहता हूँ मेरा आगे क्या होगा, मैं क्या करूँगा। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो आदमी कभी खुश भी नहीं रह पाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं क्योंकि इंसान है तो ऑब्वियसली होता है। बस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जो हैं हैप्पी रखें अपने आप को, क्योंकि जब हम अपने आप को हैप्पी रखेंगे तो काम ज़्यादा होगा, काम में मन लगेगा, क्योंकि काम में मन तभी लगता है जब हम हैप्पी होते हैं, है ना। तो बस आज का वीडियो एक छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, है ना। बस ये है कि कैसे हम दिन की शुरुआत करें, कैसे हम हैप्पी रहें। 5 मिनट अपने आप को दो और थोड़ा सा कहीं जाके बैठो शांति से, कुछ अच्छा सोचो जो आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपको अच्छा लगता है, या कुछ थोड़ा सा अच्छा करो। और हो सके तो दिन में 2-3 बार अपने लिए 5-5 मिनट निकालो जिसमें कि मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा, अच्छा सोचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। क्योंकि दिन भर तो हम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, हमारे साथ जो चीज़ें हो रही है ना, उस हिसाब से दिन भर माइंड चलता रहता है। अब होता क्या है कि अगर दिन भर माइंड नेगेटिव ही नेगेटिव चलेगा तो एक लिंक बन जाएगी आपकी एक स्टेट बन जाएगी, एक अवस्था बन जाएगी। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन कैसे आता है? डिप्रेशन में यही होता है, जैसे आदमी ने कुछ नेगेटिव सोचा, उसके बाद में फिर नेगेटिव सोचा, उसके बाद में फिर क्या होता है कि एक लिंक बनती जाती है और धीरे 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 वो नेगेटिव सोचता जाता है, उसकी पूरा जो जीवन है वो नकारात्मकता से भर जाता है, उसको बस वही चीज़ दिखती है। अब उसको हमको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और बार बार सोचना पड़ेगा, है ना। थोड़ी थोड़ी देर में कहीं ना कहीं हैप्पी रहना पड़ेगा, है ना, जानबूझ के। कई बार क्या होता है कि मैं ऐसे बैठे बैठे थोड़ा सा ऐसे मुस्कुराता हूँ तो आप बोलोगे कि सर फिर तो लोग पागल कहेंगे। अपने को लोगों के सामने नहीं मुस्कुराना है, लोगों के सामने भी मुस्कुराओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुस्कुराना ही है, लेकिन अकेले में कभी बैठे बैठे 2-1 मिनट थोड़ा सा फील करना पड़ता है। मेन चीज़ फीलिंग की होती है, फील करो कि आई एम हैप्पी, है ना। जब आप फील करोगे ना तो आपके अंदर की एनर्जी चेंज होगी, तो जो आपकी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम होगी, फिर थोड़ी और कम होगी, फिर ऐसे धीरे 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 धीरे। जैसे अब यहाँ बैठे हैं, अब मैं यहाँ बैठता हूँ, थोड़ा ठीक लगता है मेरे को, है ना। अभी लास्ट के दो तीन वीडियो यही बन रहे हैं, मुझे वो हवा आ रही है, पत्ते वत्ते भी हिल रहे हैं, रोज़ हिलते हैं ये, तो इनको देखते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है। आपके साथ में थोड़ी सी कुछ बातें शेयर कर लेता हूँ तो ठीक लगता है, आप वीडियो देखते हैं तो आपको ठीक लगता होगा, है ना। कई सारे लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि वीडियो आया नहीं कि वो पूरा देखते ही देखते, भले उसमें कुछ काम की बात नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका, आपने अच्छा एक चीज़ नोटिस करी, मैं खुद भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के ही मैं खुश हो जाता हूँ, भले वो कुछ बोलो ही मत, और जो भी अगर कुछ भी बोलेंगे, वो अपने कुछ अपने मन की बात बता रहे हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ बता रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, वो खाना भी बना रहे हैं, कुछ भी कर चल रहा है, तो उनको देख के ठीक लगता है, ठीक है यार, थोड़ा मन पसंद हो जाता है। कल ही मैं एक मेरे जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मेरे सर जहाँ पे इंदौर में पढ़ता था, तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित था, अच्छी बातें करते थे, तो उनका एक वीडियो दिखा मुझे यूट्यूब पे, बोले वो अपने मैडम को प्रपोज कर रहे थे उसमें बच्चों के सामने, और ऐसे ही गाने वाने चल रहे थे, तो उनको देखा बड़ा हुआ, उन्हें ठीक लगाया। तो कभी कभी क्या होता है कि खुद को खुश रखना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग इसे वो समझते आ रहे हैं फालतू की बात है, किसी के क्या फ़र्क पड़ रहा है, देखो अपना जीवन है, फ़र्क अपने को ही पड़ेगा, कोई काम नहीं आने वाला है अपने, जो भी करना है सब अपने को ही करना है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो नेगेटिव हो जाते हैं तो और ज़्यादा सोचते हैं, वो और ज़्यादा सोचोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, ज़्यादा नहीं सोचना, अपने को पॉजिटिव वे में सोचो, थोड़ा सा पॉजिटिविटी फैलाओ अपनी तरफ अंदर, फिर पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी अगर नेगेटिविटी आ गई है तो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मुस्कुराते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यहाँ पे आपको इसी टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।